हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बांग्लादेश के अपडेट्स को लेकर। जैसा कि 2022 सेशन में जो एडमिशन हुए थे बांग्लादेश में, वो सारे स्टूडेंट्स अभी तक डिपार्चर उनका शेड्यूल नहीं हुआ है। तो कई सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि वो कब तक डिपार्ट करेंगे या उधर जाने का शेड्यूल क्या होगा। जैसा कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 22 अप्रैल के बाद जब ईद खत्म हो जाएगी, यानी ईद के बाद आपके मई के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट डिपार्चर हो जाएगा, जैसा कि वहाँ के सारे प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से यह डेट अभी जुलाई फर्स्ट वीक में चली जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो सेशन स्टार्ट हुआ था उनका जुलाई फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हुआ था। और अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने जो इक्विवेलेंसी अप्लाई करने की जो 30th अप्रैल की डेट थी उसको बढ़ा करके 16th अप्रैल कर दिया है। और जो उन्होंने मेंशन किया है कि 15th जून ऑनवर्ड्स जो वीजा का प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगा। तो 15th जून ऑनवर्ड्स अगर वीजा का प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो उससे कुछ दिन पहले ही आसपास जो है इक्विवेलेंसी की लिस्ट जो है वो अपडेट होकर के आएगी। इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो बांग्लादेश के अंदर में सबसे बड़ा जो इशू है कि पिछले साल जो बच्चे गए हैं, तो कई सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिसके अंदर में जो अभी अगर स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो उनके फर्स्ट ईयर के अंदर में ऑक्यूपेंसी अवेलेबल नहीं है। जब तक फाइनल ईयर के बच्चे निकलेंगे नहीं तब तक हॉस्टल में आपकी शिफ्टिंग कैसे हो सकती है। एक तो ये भी इशू है। कुछ और भी मेजर इशू है। बांग्लादेश के कॉलेज में अभी सीटें खाली हैं। नेपाल के अंदर में अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है। नेपाल के बच्चे भी बांग्लादेश जाते हैं तो अभी नेपाल की काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद फिर बांग्लादेश में उनका एडमिशन और ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई होगा तो बांग्लादेश की कुछ सीटें और भरेगी। वहाँ लोकल काउंसलिंग भी अभी स्टार्ट होगी, जो लोकल काउंसलिंग के बाद भी वहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो इन सारे प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा जिसके कारण वहाँ के शेड्यूल को डिले कर दिया गया है। ऐसा ये हमारा एक्सपेक्टेशन है या कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जिनों बच्चों ने एडमिशन ले लिया था उनको अभी दो महीने और इंतजार करना पड़ेगा। और आपकी जो डिपार्चर यानी अप्रैल और मई आपके लिए वेटिंग टाइम है। जून आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जून में क्या होगा कि 4-5 तारीख के बाद से वो लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, तो आपके हलचल, आपका प्रिपरेशन, आपका डिपार्चर, आपका वीजा का प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, तो जून में आपको पता नहीं चलेगा। और जो वेटिंग टाइम है वो आपके लिए अप्रैल और मई है, जो कि लंबा है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। अब जो बच्चे, मैं फिर से आपको जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बनाया था अभी भी कह रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो 21-22 में 12th पास हैं, वैसे कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है और अभी तक एडमिशन्स नहीं लिया है, वैसे सारे स्टूडेंट्स अभी 16th अप्रैल तक बांग्लादेश में एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। 6th अप्रैल तक आपके नीट के फॉर्म आपको भरे जाने हैं। 6th अप्रैल के बाद आप जो है जो एग्जाम है वो आपका मई में है, तो आप फॉर्म भरने के बाद भी अपना एग्जाम यहाँ पर दे पाओगे। टिल द टाइम आप बांग्लादेश में अपनी सीट बुक कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका इधर गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपके पास कम से कम चांस होगा अपना 1 ईयर सेव करने का। तो वैसे कोई भी स्टूडेंट जो पिछले अकेडमिक ईयर्स में 21-22 में अपने 12th कंप्लीट है, नीट क्वालिफाइड है, वैसे स्टूडेंट्स नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रिसेंट अपडेट्स ये है कि बांग्लादेश के कुछ कॉलेजों ने अपनी फीस भी डिक्रीज कर दी है, तो आपको कम बजट या कम पैकेज में उधर एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है और मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये था लेटेस्ट अपडेट। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल दैट कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।